नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों बात करने वाले हैं RAS प्री एग्जाम 2018 के बारे में, तो वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। और इसके साथ ही अगर आप RPSC फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या कोई भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमें अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर पवन पारिक को फॉलो कर लेना है। मैसेज का भी ऑप्शन मिल जाता है, कोई भी डाउट हो मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, बात करने वाले हैं RAS प्री का रिजल्ट कब आ रहा है। तो रिजल्ट आपका 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। तो आप RPSC की जो वेबसाइट है वो चेक करते हैं, रिजल्ट कभी भी आ सकता है। मैं आपको एक्सपेक्टेड तो कट ऑफ की बात कर लेते हैं। तो आपको पता ही है पेपर 200 नंबर का था और 150 क्वेश्चन थे पेपर के अंदर, और मैं आपके 200 नंबरों में से कट ऑफ बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर काटने के बाद नेगेटिव मार्किंग, पता ही आपको 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, उसे काटने के बाद इतने नंबर बच रहे हैं तो आप तैयारी शुरू कर रह सकते हैं मेंस की। तो जनरल कैटेगरी की बात करें तो 70 से 72 नंबर अगर आपके आ रहे हैं 200 में से तो आप मेंस की तैयारी शुरू कर दो। मेन एग्ज़ाम की आपको पता ही डेट घोषित हो चुकी है। OBC की बात करें तो 68 से 70 के बीच, और SC की बात करें तो 67 से 68, ST की बात करें तो 60 से 62 कट ऑफ आपकी रहने वाली है। यही आपकी कट ऑफ रहेगी, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है ये। तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है हमने आपके लिए। तो जल्द ही आपका आज या कल में रिजल्ट आने वाला है। आप वेबसाइट को बार बार चेक करते रहें, कभी भी रिजल्ट आ सकता है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।